Good morning everyone. Continuing with our last lecture, next जो point है that is सभी ने direct किया है सभी stock exchanges को कि वो SMS send करेंगे और email alerts send करेंगे directly investors को अगर किसी भी कोई भी transaction किसी के भी investor की जो है उसके किसी भी account में जो भी transaction होती है उससे regarding at the end of trading day. Then next जो point है That is strengthening primary market. Market जो है उसके through ही जो company है वो funds raise करती हैं public से by issuing shares, debentures. और orderly development of primary market के लिए जो सेबी है उसने rules and regulations बनाए हैं for registrar to the issue, bankers to issue, underwriters, depository, etc. से regarding. The next है strengthening secondary market. इसके लिए सेकेंडरी मार्केट क्या होती है जहाँ पे आप जो इन्वेस्टर है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उन्हें परचेज और सेल कर सकता है एग्जिस्टिंग कंपनीज की इसे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है तो स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी सेबी ने कई गाइडलाइंस दी हैं रिगार्डिंग स्पेकुलेशंस कैसे चेक की जाए स्टॉक मार्केट में सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज को कैसे रेगुलेट करना है इनसाइडर ट्रेडिंग को कैसे प्रोहिबिट करना है एक्सेसिव वॉलेटिलिटी अगर स्टॉक प्राइसेस में होती है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम सेबी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम जिसे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जब हम कहते हैं वो इनिशिएट हुआ है सभी स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द कंट्री में और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम जो है यहाँ पे जो मेंबर है वो अपना बाय और सेल का जो ऑर्डर है किसी भी सिक्योरिटी से रिगार्डिंग उसकी क्वांटिटी प्राइस जो इसमें के ऊपर वो ट्रांजेक्ट करना चाहता है वो सिस्टम में डाल देता है और जैसे ही ऑर्डर मैच हो जाता है ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिकली अपने आप ऑर्डर मैच कर देता है और इसकी वजह से क्या हुआ है जो भी ट्रेडिंग सिस्टम ने उसमें टाइम जो है वो रिड्यूस हुआ है कॉस्ट रिड्यूस हुई है रिस्क ऑफ एरर रिड्यूस हुआ है ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेंट है कहीं पे भी किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो बैठे हों वो ट्रेड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली मार्केट्स में और इससे इम्प्रूव हुई है डेप्थ और लिक्विडिटी मार्केट की तो जो सेबी है वो सक्सेसफुल रही है इन क्रिएटिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो रिक्वायर्ड है फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम द कैपिटल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट्स को बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाने में और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में जो सेबी रही है सक्सेसफुल रही है देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ सेबी सबसे पहला है एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करती है सेबी उससे फ्रेम करने के बाद उसे अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से तो अननेसेसरी जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं डिले जो है वो होता है इन पासिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे जो सेबी की फंक्शनिंग है वो हैमर होती है और सिमिलरली जो सेबी है उसे प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से अगर उसे किसी भी ऑफेंडर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी है और जिसकी वजह से डिले होता है नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग टेन्योर ऑफ सेबी ऑफिशियल जो सेबी के चेयरमैन हैं मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं गवर्नमेंट उन्हें 3 मंथ का नोटिस देके किसी भी टाइम पे रिमूव कर सकती है तो जो ऑफिशियल है वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं सेबी की वर्किंग में क्योंकि उनका खुद का टेन्योर अनसर्टेन है नेक्स्ट इज फेल टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर जो सेबी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है स्मॉल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में स्टिल स्टॉक स्कैम्स होते हैं और वो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को बैडली इफेक्ट करते हैं नेक्स्ट इज फेल टू चेक स्पेक्यूलेशन सेबी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है इन चेकिंग स्पेक्यूलेशन इन स्टॉक मार्केट जो सेबी है उसका लिटल कंट्रोल है ओवर फॉरवर्ड एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बिग ब्रोकर्स और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो स्पेक्यूलेटिव प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होते हैं तो वाइड फ्लक्चुएशंस जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस में होती है तो इन कंक्लूजन में अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में सेबी ने वेरियस मेजर्स लिए हैं मार्केट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए इंडियन कैपिटल मार्केट की और उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड करने के लिए स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग ने हेल्प किया है जियोग्राफिकल बैरियर्स जो थे कैपिटल मार्केट के लिए उन्हें रिमूव करने में इंटरनेट बेस्ड स्क्रीन ट्रेडिंग ने हेल्प किया है इंडियन कैपिटल मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा रिमोट एरियाज और स्मॉल टाउन्स में पेनिट्रेट करने के लिए अब जो शेयर ट्रेडिंग है
आप अपने घर पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, घर पे बैठ के, बिना ब्रोकर के पास जाए, सब ब्रोकर के पास जाए, आप कर सकते हैं। जो शेयर ट्रेडिंग सेटलमेंट है उसे सिंप्लीफाई और शॉर्टन किया गया है, सेटलमेंट जो पीरियड है उसे रिड्यूस किया गया है, डीमैट फॉर्म में शेयर्स आ गए हैं, सेबी ने परमानेंट अकाउंट नंबर जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी से जो आपको मिलता है उसे सोल आइडेंटिफिकेशन नंबर बना दिया है सभी बायर्स एंड सेलर्स के लिए जो सिक्योरिटीज़ में डील कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ मार्केट में। इससे हेल्प हुई है कि जो टैक्स इवेजन है उसे चेक किया जा सके, या जो बेनामी ट्रांजेक्शन की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके, और इम्प्रूवमेंट के साथ, जो मार्केट एफिशेंसी की इम्प्रूवमेंट के साथ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सेट्रा जैसी जो चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इंडियन कैपिटल मार्केट में वो इंक्रीज़ हुआ है। अब जो आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के साथ और एक्टिवली इंगेज्ड होते हैं इन द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है सेबी का वो कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच।